गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो है हम कॉन्टेस्ट सेल्स प्रमोशन मेथड के बारे में देखेंगे। सेल्स प्रमोशन चैप्टर चल रहा था। सेल्स प्रमोशन में जो दो टाइप्स की सेल्स प्रमोशन थी वो हम देख रहे थे, जैसे कंज्यूमर प्रमोशनल मेथड एंड बिजनेस मैन और डील प्रमोशनल मेथड। तो कंज्यूमर प्रमोशनल मेथड के अंदर एक हम कर चुके थे फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल्स। अभी दूसरा करना है कॉन्टेस्ट। तो हम कंज्यूमर्स को अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए अट्रैक्ट करने के लिए कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कॉन्टेस्ट रख सकते हैं, एक तरीके के कॉम्पिटिशन वगैरह जो बोलते हैं वो रख सकते हैं, क्विज के लिए कॉन्टेस्ट, इस तरीके से कॉन्टेस्ट रख सकते हैं जिसमें जो कंज्यूमर विन होता है, जो जीतता है उसको कुछ ना कुछ प्राइस दिया जाता है इस तरीके से, और वही उसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो आपका प्रोडक्ट जो है वो खरीदेंगे। कुछ स्पेसिफिक अमाउंट में आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और अगर वो पार्टिसिपेशन में वो जीत जाते हैं कॉन्टेस्ट तो फिर उनको कुछ ना कुछ प्राइस दिया जाता है। इस तरीके से आप जो है अपनी सेल्स प्रमोशन कर सकते हैं। तो द कंज्यूमर्स हैव टू रिप्लाई सम क्वेश्चंस। इस कॉन्टेस्ट में आप क्या कर सकते हैं, कुछ उनको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उनको वो आंसर देने होंगे। और ये जो क्वेश्चंस है वो क्या होता है, जनरली वेरी सिंपल, बहुत सिंपल होते हैं, बट दे आर रिक्वायर्ड टू परचेज अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जो है शर्त होगी कि उनको कम से कम अमाउंट, जो आपकी जो भी स्पेसिफाइड आपने कर रखी है वो कम से कम अमाउंट उनको ज़रूर परचेज करनी होगी, तभी वो उस कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे एंड विन। और फिर उसके बाद में आप उनको कुछ ना कुछ प्राइजेस दे सकते हैं, जैसे कैश प्राइज दे सकते हैं, फ्री कहीं की कोई ट्रिप्स दे सकते हैं घूमने के लिए, तो ये सारी चीज़ें होती है। अब इसमें जो पॉइंट्स है वो आपको देखने, इट इज़ हेल्पफुल इन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, इट इज़ अन इनडायरेक्ट मेथड। कोई न्यू प्रोडक्ट होता है तो उसके इंट्रोडक्शन के लिए बहुत ही अच्छी मेथड है, क्योंकि ये कॉन्टेस्ट का जो उनको मिलेगा प्राइज़ मिलेगा, इस चक्कर में कंज्यूमर जो हैं वो उस प्रोडक्ट को खरीदने की ट्राई करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर कोई न्यू प्रोडक्ट अगर आपको मार्केट में इंट्रोड्यूस करना है तो आपको ये बहुत ही अच्छी मेथड है, क्योंकि इससे अट्रैक्ट होके कि हमें ये प्राइज़ मिलेगा, इस चीज़ से अट्रैक्ट होने के चक्कर में बहुत सारे जो कंज्यूमर्स हैं वो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, उनमें से एक आधे को आपको जो है प्राइस देना, तो उस चक्कर में आपके बहुत सारे कंज्यूमर्स जो हैं वो उसको खरीदेंगे, प्रोडक्ट को खरीदेंगे, तो उसकी उन्हें क्वालिटीज़ पता चलेगी और उन्हें अच्छा लगा तो वो नेक्स्ट टाइम भी उसको खरीदेंगे। इस तरीके से द क्वेश्चन शुड बी वेरी सिंपल सच दैट, जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही सिंपल होने चाहिए। तो किस टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए वो यहाँ पे आपको दे रखा है, सच दैट कंप्लीट सेंटेंसेस। आपको सेंटेंसेस उनको कंप्लीट करने के लिए कह सकते हैं, जैसे यूज़ ऑफ बजाज फैंस, बजाज फैंस बिकॉज, अब बिकॉज क्यों उन्हें बजाज फैन को परचेज करना चाहिए, वो उन्हें सेंटेंस को कंप्लीट करना है, इस तरीके से, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। फिर इसके बाद में दूसरा आप उन्हें पूछ सकते हैं, आस्क हेडिंग और नेम वाइल गिविंग अ फोटो ऑफ प्रोडक्ट। आप उन्हें एक फ़ोटो दिखा सकते हैं प्रोडक्ट की और उन्हें बताना है कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, इसका नाम क्या है, वो सब। फिर इसके बाद में आस्क स्लोगन्स अबाउट प्रोडक्ट, आप उन्हें अपना प्रोडक्ट बताएंगे और उनको बताना है कि इसका स्लोगन क्या होता है, जैसे घड़ी के लिए स्लोगन यूज़ करते हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, फेना के लिए यूज़ करते हैं, फेना है जहाँ सफ़ेदी है वहाँ, इस टाइप के जो स्लोगन्स होते हैं वो आप उनको पूछ सकते हैं कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसके लिए हम कौन सा स्लोगन यूज़ करते हैं। अगर वो बता पाते हैं तो वो विन हो सकते हैं। इसके बाद में जो थर्ड मेथड होती है वो है सेल्स ऑन रिड्यूसिंग प्राइजेस। कम प्राइस आप अपने जो प्रोडक्ट के प्राइस हैं वो कम कर सकते हैं, ये थर्ड मेथड है। हमें अब तक जो कॉन्टेस्ट थी वो सेकंड मेथड थी, वो कंप्लीट हो चुकी है यहाँ तक, अभी हम थर्ड मेथड देख रहे हैं, सेल्स ऑन रिड्यूसिंग प्राइस। आप क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कम कर देंगे। तो प्राइस कम होती है तो आपको पता है कि प्राइस कम होगी तो कस्टमर क्या करते हैं, अपनी जो परचेजिंग है उसको बढ़ा देते हैं, ज़्यादा परचेज करते हैं। और अब तक जो कंज्यूमर्स थे जो हमारा प्रोडक्ट खरीदना अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो कम प्राइस होंगे तो वो भी हमारा प्रोडक्ट खरीदना अफोर्ड कर पाएंगे, तो इस तरीके से हमारी सेलिंग जो है वो बढ़ जाती है। सेल्स ऑन रिड्यूसिंग प्राइस, तो डीलर अनाउंस हैवी रिडक्शन इन प्राइस, हैवी रिडक्शन कर देते हैं प्राइस में प्रोडक्ट ऑन सम स्पेशल ओकेजन, लेकिन वो कोई ना कोई स्पेशल ओकेजन होना चाहिए, जैसे कुछ फेस्टिवल्स आ जाए, दिवाली, न्यू ईयर, तो आप उस पर 20-30% तक का डिस्काउंट देके और कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के लिए
अट्रैक्ट कर सकते हैं। फोर्थ मेथड है कूपन्स। कूपन्स डिस्काउंट के लिए कूपन्स होते हैं, और ये कूपन्स क्या हो सकते हैं, प्रोडक्ट के आप जो है अपना प्रोडक्ट उसके पैक के अंदर भी डाल सकते हैं और पैक के ऊपर भी हो सकता है। लेकिन कूपन क्या बताएगा कि उन्होंने प्रोडक्ट खरीदा तो उनको कूपन मिला, अभी वो कूपन कब यूज़ कर पाएंगे, जब वापस नेक्स्ट परचेज करेंगे तब वो उस कूपन को यूज़ करके और डिस्काउंट ले सकते हैं, उनको नेक्स्ट परचेज करनी पड़ेगी उस कूपन को यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे इस तरीके से आपके क्या होगा कि एक बार तो वो प्रोडक्ट उसको ख़रीद रहा है कूपन से, नेक्स्ट टाइम भी वो उसको प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए फिर वो एनकरेज होगा क्योंकि उसको कूपन को यूज़ करना पड़ेगा। इस तरीके से कूपन है जो डिस्काउंट कूपन आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू कस्टमर्स, तो ये कस्टमर्स को हम देते हैं। कूपन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय प्रोड्यूसर्स बाय कैप्ट इनसाइड द प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट के अंदर इसको डाल के दे सकते हैं उनको। कूपन्स आर सर्टिफिकेट टू गेट डिस्काउंट ऑफ स्टेटेड वैल्यू ऑफ कूपन एट द टाइम ऑफ परचेज। कूपन एक तरीके का सर्टिफिकेट होता है कि जब आप नेक्स्ट परचेज करेंगे तब आपको इतनी अमाउंट का जो है डिस्काउंट मिलेगा उस परचेसिंग पे। फिर इसके बाद में आगे कूपन्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के कूपन्स होते हैं, एक तो इन पैक और ऑन पैक। इन पैक मतलब कि पैकेट के अंदर आप उनको कूपन को डाल के दे सकते हैं, और ऑन पैक जो पैकेट के ऊपर अटैच किए हुए होते हैं। फिर इसके बाद में इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, एनकरेज रिपीटेड परचेज, आप उनको वापस अपनी परचेज रिपीट करने के लिए एनकरेज करते हो कि उनको पता है कि उनको कूपन मिला है, कूपन मिला है तो उसको वो यूज़ करने के लिए नेक्स्ट टाइम और परचेज करेंगे। फिर आगे हम एनकरेज ब्रांड स्विचिंग। ब्रांड स्विचिंग जो पहले अभी तक दूसरा प्रोडक्ट यूज़ करते आ रहे थे, दूसरी ब्रांड यूज़ कर रहे थे, तो उस कूपन से अट्रैक्ट होकर वो आपकी ब्रांड की तरफ स्विच होना चालू हो जाएंगे। तो ब्रांड स्विचिंग में भी ये हेल्पफुल होता है। डिफेंड मार्केट, आप अपनी मार्केट को बचा के रख सकते हैं, आपके जो कस्टमर्स हैं उस कूपन के चक्कर में कोई और प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं, आपका ही प्रोडक्ट खरीदेंगे। फिर आगे है ट्रायल ऑफ प्रोडक्ट, एक तरीके से ये आपके कूपन से अट्रैक्ट होकर कोई नया अगर कस्टमर खरीद लेता है तो वो आपके प्रोडक्ट का ट्रायल भी हो जाता है, आपको फ्री में सैंपल्स बांटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इस तरीके से ये आपके हो गया कूपन। कूपन के लिए ये आपको बातें ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। आगे हम फेयर्स एंड एग्जीबिशंस। फेयर्स एंड एग्जीबिशंस जो एकदम एक्सपेंसिव चीज़ें होती है, गोल्ड की, सिल्वर की, डायमंड की, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, पेंटिंग्स वगैरह, उनके लिए फेयर्स एंड एग्जीबिशंस लगाए जाते हैं। एग्जीबिशंस लगाए जाते हैं ताकि लोग आ आके देखें और उनको परचेज करके लेके जाएं। तो फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड एट लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। लोकल लेवल पे भी हो सकते हैं, नेशनल लेवल पे भी, एंड इंटरनेशनल लेवल पे भी होते हैं। तो प्रोडक्ट्स आर अरेंज इन अट्रैक्टिव मैनर। इन फेयर्स एंड एग्जीबिशन में बहुत अट्रैक्टिव तरीके से प्रोडक्ट को दिखाया जाता है। आगे फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड एट हिस्टोरिकल और रिलीजियस प्लेसेस। जो हिस्टोरिकल और रिलीजियस प्लेसेस होती हैं तो वहाँ पे ऐसे फेयर्स एंड एग्जीबिशंस को ऑर्गेनाइज किया जाता है। फिर आगे है जैसे नेशनल जो है, आपके कुछ एग्जांपल्स बताएं, जैसे नेशनल बुक फेयर लगता है, सहाकर मेला लगता है, इस तरीके से। पर इंडिया में जो ये फेयर्स वगैरह का सारा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो करती है, इंडियन ट्रेड प्रमोशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर बहुत ही अच्छा काम कर रही है इंडियन ट्रेड प्रमोशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये ज़रूर देखें। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो फेयर्स एंड एग्जीबिशंस का इंडिया के अंदर काम देखती है, इंडियन ट्रेड प्रमोशनल ऑर्गेनाइजेशन। फिर यहाँ पे आके सूटेबल फॉर हाई कॉस्ट प्रोडक्ट, मैंने आपको बताया कि एक्सपेंसिव जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए ये मेथड अच्छी रहती है, क्योंकि आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को तो फ्री सैंपल की तरह बांट नहीं सकते, उनके लिए कूपन्स वगैरह दे नहीं सकते, तो एक्सपेंसिव जो चीज़ें होती है उसके लिए ये मेथड बहुत ही अच्छी रहती है। इस तरीके से कंज्यूमर प्रमोशनल के आज हमने 5 जो मेथड हैं वो कंप्लीट की है, बाकी आगे की हम कल करेंगे।